कि सावन के महीने में लोग कांवड़ पे जल लेकर संकल्प लेते हैं और शिवलिंग पे जल चढ़ा देखा होगा। जब वो लोग चलते हैं संकल्प लेकर, उससे पहले वो कभी राजस्थान के भी लोग आते हैं, गुजरात से भी आ जाते हैं, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, हर जगह के लोग आते हैं, लेकिन वो अपनी पहचान भूल जाते हैं। सब क्या कहते हैं, बोलबम बोलबम। अलग अलग जाति के लोग आते हैं, अलग अलग जाति रास्ते पे चलने लगते हैं, शिव के जल का संकल्प अपने हाथों में लेते हैं, तो उस रास्ते पे चलते चलते उनके मन से ये सारे विचार हट जाते हैं कि हम लोग किस धर्म के हैं, कि हम लोग किस जाति के हैं, कि हम लोग किस राज्य से आए हैं। याद रहता है किसी को, बच्चा को भी बच्चा बम कहते हैं, बड़े को भी बड़ा बम कहते हैं, कोई आगे चला गया है तो इंजन बम कहते हैं, कोई पीछे चला गया है तो मालगाड़ी बम कहते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन सबके होठों पे मुस्कान होती है, पैरों में छाले होते हैं और होठों पे मुस्कान होती है। ये जीवन कैसा है, ये 3 और 4 दिनों का जीवन, ये कैसा जीवन है। शिव के नाम का संकल्प हाथों में है, चल रहे हैं तो ठोकर नहीं मिल रही है, मिल रही है ना, पैरों में छाले पड़े हैं ना। कितने लोगों के नाखून उखड़ जाते हैं, खून से भर जाते हैं, तब भी नहीं रुकते। तो जब ये 3-4 दिन की यात्रा में हम अपने मन की सारी संकीर्णता भूल सकते हैं, हमारा मन शिव पे केंद्रित है, इसलिए हम रास्ते की ठोकर का की भी परवाह नहीं करते, मेरे पैर खून से भर जाए तब भी परवाह नहीं करते, कौन दूसरा क्या कर रहा है रास्ते में उसके तरफ देखते तक नहीं। तो यहाँ तो सारे जीवन के लिए साहब हरिंदानंद जी ने एक रिश्ता बनाया है, गुरु और शिष्य का रिश्ता। शिष्य कौन होता है, जो गुरु के आदेश अनुसार रहे, जो गुरु के आदेश के अनुसार ही रहे, फिर किसी और का वो नहीं हो सकता है। गुरु का हो गया है तो गुरु का हो गया है, फिर आप भी मुझको चलाइएगा, वो भी चलाएंगे, वो भी चलाएंगे, ये नहीं होगा, किसी एक का ही होके रहता है, सबके सबके हम नहीं हो सकते। मेरे गुरु क्या चाहते हैं, मेरे गुरु की खुशी क्या है, शिष्य वही देखता है, बस वो गुरु के तरफ ही देखता है। और अगर उसका मन उस गुरु पे टिका रह जाए तो उसके जीवन में भी झंझावात आते हैं, उसके जीवन में भी तूफान आते हैं, कभी उसके पास गरीब आती है, कभी अमीरी आती है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, ठोकरे ही ठोकरे मिलती है, लेकिन तब भी होठों पे मुस्कान होती है। वही बात है, पैरों में छाले हैं लेकिन होठों पे मुस्कान है, क्योंकि दिल में शिव के दया पाने की चाहत है, शिव के नाम का दिया जल रहा है। एक जगह टिक गए हैं तो ये परिणाम आया है। हम सब कुछ जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन इतना तो हम जान ही गए हैं कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। लाख आप कोशिश कर लीजिए उसको खुश करने का, वो नहीं होता। आज 4 दिन आपसे खुश रहेगा, 5वें दिन सबसे ज़्यादा खराब वही आपके लिए बोलता है, फिर 5 दिन के बाद फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले पल क्या होगा कुछ नहीं जानता है कोई। कोई एक रिश्ता ऐसा नहीं है जिससे खुशी ही खुशी मिले, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो हमेशा अपना बना रह जाए। कब रूप बदलते हैं, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, नहीं, इस रंग बदलती हुई दुनिया में इंसान की नीयत कब बदलती है कुछ पता नहीं चलता, लेकिन इसी दुनिया में रह के, इसी ठोकरों और झंझावातों में रह के अगर हमारा आपका मन उस महादेव पे टिका रह जाता है, तो फिर हमारा जीवन कब गुजर जाएगा पता ही नहीं चलता है। आप करके देखिएगा इस काम को, और आप अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं रहते हैं, आज हमारे साहब हरिंदानंद जी, हमारी दीदी माँ दीदी नीलमानंद जी दोनों शरीर में नहीं हैं, लेकिन ये उनकी ऊर्जा, उनका मार्गदर्शन हर शिष्य के साथ है, वो सबके साथ हैं, मात्र एक कारण से कि जहाँ भी दुनिया में कोई शिव का नाम लेता है, जहाँ भी कोई गुरु और शिष्य की
बात करता है शिव को गुरु मानने की और उनका शिष्य होने की घोषणा करता है, साहब हरिनानंद जी वहाँ उपस्थित होते ही होते हैं। चाहे वो कोई संगोष्ठी हो, चाहे वो महोत्सव हो, चाहे वो फटाफट आप काम कर रहे हो गुरु का तब, या अकेले में बैठ के उस शिव को प्रणाम करते हैं तब, वो आपके साथ हैं ही। कारण मात्र एक है, उन्होंने शिव के लिए शिव को चाहा। तो जो शिव के लिए शिव को चाहेगा, जहां भी शिव का नाम होगा वो वहां रहेगा ही रहेगा। आइए, ये संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी का एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी संगोष्ठी का एक ही उद्देश्य होता है कि हम सब शिव के रास्ते पे चलने वाले लोग, जो अपने अपने जगह पे आपके साथ जुड़े हुए सैकड़ों हजारों लोग होंगे, आप रास्ता दिखाते होंगे उन लोगों को, हम इस बात को समझ सके कि हमको आपको करना क्या है। क्योंकि अगर हमारी मंजिल स्पष्ट नहीं होगी, काम क्या करना है ये स्पष्ट नहीं होगा, तो हम करेंगे क्या? हम भोजन इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि हमको पता है कि उससे पेट की भूख खत्म करनी है। हम अपने घर को इसलिए साफ करते हैं क्योंकि हमको पता है कि इसी घर में रहना है। हम पानी की व्यवस्था करते हैं क्योंकि हमको पता है कि प्यास बुझानी है। हम हर काम तभी करते हैं जब हमको पता हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। हम गुरु शिष्य की बात करते हैं, हम अपने गुरु शिव की बात करते हैं, और इसका कारण हमको अगर पता नहीं हो वो क्यों करते हैं, तो इसका परिणाम भी वैसा नहीं होगा जैसा साहब ने सोचा है। उन्होंने साफ कहा था कि संगोष्ठी का अर्थ होता है कि एक भाव से सब उस गोष्ठी में बैठें, सबके मन में एक भाव हो, मेरे गुरु शिव का कार्य कैसे विस्तार पाएगा, ये सोच हो सबके मन में, यही एक सोच हो उस समय, और सबके हृदय में एक ही भाव संचरित होता हो, एक ही भाव की तरंग वहां पे मौजूद हो। तो संगोष्ठी में हम आज जो बैठे हैं, ये शिव शिष्यों की संगोष्ठी है। शिव के शिष्य का उद्देश्य क्या होगा? अपने गुरु शिव की स्थापना होगी, इसके इतर कुछ भी नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम सब आज इस संगोष्ठी में इस विषय पे आते हैं कि हमको करना क्या है। आपको खुद भी शिव शिष्य बनना है। क्या कर रहा है कौन, क्या कर रहा है, तो न तो खुद शिव शिष्य बन सकेंगे, न तो दूसरे को चला सकेंगे। इसलिए पहले तो दूसरे की तरफ देखना छोड़िए। एक बार हम लोग कहीं से आ रहे थे साहब के साथ, उन्होंने कहा कि देखो देखो उस घोड़े को देखो। एक घोड़ा जा रहा था, मतलब घोड़ा गाड़ी नहीं होती है, घोड़ा के पीछे गाड़ी बंधी होती है बग्घी, तो देखो उसके आंखों के दोनों तरफ क्या बांधा हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि आंखों के दोनों तरफ ऐसे करके पट्टी बांधी हुई है, घोड़े के दोनों तरफ आंखों के पट्टी बांधी हुई है, मतलब ऐसे कुछ क्या कहते हैं उसको, मतलब ऐसे बांधा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि वो घोड़ा क्या देख रहा है, अब वो देख ही नहीं पा रहा है, न इधर देख पा रहा है न इधर देख पा रहा है। तो वो क्या देख रहा है, वो सिर्फ रास्ते को देख रहा है। तो उसकी बग्घी न इधर जाएगी न इधर जाएगी, उसकी बग्घी रास्ते पे ही चलती जाएगी और एक दिन मंजिल को पहुंच जाएगी। मंजिल है भगवान शिव स्वयं, रास्ता है शिव की शिष्यता का, चलना है शिष्य का भाव लेकर। और अपनी आंखों के दोनों तरफ कुछ ऐसा ही कर लीजिए कि न इधर दिखाई दे न इधर दिखाई दे, दिखाई दे तो कहाँ जाना है वो दिखाई दे। तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई है तो। पहली जिज्ञासा वाहन प्रीति भारती जो दुर्गा से है, ये कह रही है प्रणाम दीदी, मेरा सवाल है कि कुछ भाई बहन शिव चर्चा का मतलब नहीं समझते हैं। कुछ जगह पर शिव चर्चा में भजन को महत्व देते हैं, क्या शिव चर्चा में माँ और बजरंग बली का भजन होना चाहिए? गुरु भाई बहन को थोड़ा समझाएं। आपने जिज्ञासा सुनी है ठीक से? जिज्ञासा है
कि शिव की चर्चा का मतलब क्या है, शिव चर्चा का मतलब क्या है, और क्या शिव की चर्चा में माँ का भजन या बजरंग बली का भजन या और देवी देवताओं के भजन हो सकते हैं कि नहीं, यही ना। शिव की चर्चा का मात्र एक ही प्रयोजन है, शिव की चर्चा यानी शिव की कथाएं होती रही हैं, कहानियां लोगों को सुनाई गई हैं, शिव पुराण की कहानियां, अनेक ग्रंथों की कहानियां कि महादेव के समय में ऐसा हुआ, कथा का प्रचलन रहा है। लेकिन शिव की चर्चा का प्रचलन पूर्व में, इतिहास में कभी नहीं दिखाई दिया। ये शिव चर्चा शब्द ही आया है वरेण्य गुरु भ्राता साहब हरिनंदन जी के द्वारा। उन्होंने कहा कि आज का आदमी बात करने में बहुत तेज है भाई, उससे उपासना नहीं होगा, साधना नहीं होगा, मंत्र का जप नहीं होगा, लेकिन बात खूब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बात का विषय बदल लो। आज तक हम लोग बात करते थे, घर में काम हो गया है तो दुकान से भी घर कोई लौट के आ गया है और घर का खाना भी बन गया है, अब पूरा दिन बैठ के क्या करना है। तो हम लोग क्या करते थे कि बैठ के पड़ोसी क्या किया है इस बात को करते थे, कौन रिश्तेदार क्या कर रहा है इस बात को करते थे, किसका बेटा को कितना नंबर आया, कौन क्या पढ़ता है इस पे बात करते थे, किसका झगड़ा किससे चल रहा है, कौन किसका दोस्त हो गया है इस पे बात करते थे, कहाँ पे साड़ी कितने में मिलेगी, कहाँ पे गहना कितने में मिलेगा, कहाँ पे खेत कितने में मिलेगा इस पे बात करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन नहीं करते थे तो उस महादेव की बात नहीं करते थे जिसके कारण ये दुनिया है, जिसके कारण हम और आप हैं, उसी को भूल के बैठे हैं। तो ये जो हम लोग भूल के बैठे थे, अपनी दुनिया में एकदम मगन होकर सोए हुए थे, शब्द की मार से शब्दन मार जगाए दियो रे, शब्द की मार से गुरु ने जगा दिया। उन्होंने कहा कि शिव की बात करो, क्योंकि जिसकी बात हम सबसे ज़्यादा करते हैं हमारा मन भी धीरे धीरे उसके जैसा हो जाता है। तो सब बात करना हम जानते हैं, महादेव की बात नहीं कर सकते हैं, जितना आता है उतना ही करेंगे। और आप देखिएगा कि कहीं पे अगर किसी गांव में आप खड़े हो जाइए चौक चौराहे पे और आप देखिए, एक आदमी, अभी शादी का मौसम गुजरा, एक आदमी खड़ा होके अपनी बेटी की शादी की बात शुरू किया है, धीरे धीरे चौक का सारा लोग जमा हो जाता है। अब सब अपनी अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है, सब अपनी अपनी बेटी की शादी की परेशानी बयान कर रहा है। क्रिकेट का मौसम आता है, फुटबॉल का मौसम आएगा तो उसमें क्या होगा, एक आदमी क्रिकेट की बात शुरू करता है, भारत पाकिस्तान होने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उस चौक के सारे लोग जमा हो जाते हैं, वहीं पे दो टीम बन जाती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अब इसी पे बात हो रही है। यानी हमारे आपके अंदर ये ताकत है कि हम अगर किसी एक चीज़ की बात शुरू करते हैं तो हमारे आसपास के माहौल पे उस बात का असर होता है। हम शिव की बात शुरू करेंगे तो लोग शिव की बात में जुटेंगे कि नहीं जुटेंगे, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो जुट जाते हैं, हम खेल की बात करते हैं तो जुट जाते हैं, हम किसी भी लौकिक बात को करते हैं तो सब कोई जमा हो जाते हैं। तो क्या हम महादेव की बात करेंगे तो लोग नहीं जमा होंगे? आप निकल के तो देखिए, आप करके देखिए, आप जैसे ही बात शुरू कीजिएगा दो आदमी खड़े होके सारे लोग जमा होने लगते हैं। अभी हम लोग दुमका में रुके हुए हैं, साथ में जो गुरु भाई लोग आए हैं सुबह में चाय पीने चले गए, लौट के आए तो बोले कि कुछ अफसर लोग जा रहे थे खेल के, और हम लोगों ने कहा कि थोड़ा सा रुकिए महादेव की बात करते हैं, एक रुके दो रुके सब के सब रुकने लगे, एक की घोषणा हुई तो दूसरा कहता है अरे ये जो है इसको भी समझाइए, इसकी भी घोषणा करिए। देखिए क्या हुआ, ये एक व्यक्ति को रोका आपने, महादेव का नाम सुना, सब पे प्रभाव है। तो कमी कहाँ हो रही है, कमी हम लोगों से हो रही है कि हम लोग बोल ही नहीं गए हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं। जब महादेव के साथ हमारा आपका मन रहता है तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, सबसे बलशाली सबसे ताकतवर, क्योंकि जिसके साथ आदमी रहता है उसका मन भी उसी के जैसा हो जाता है।
तो शिव की चर्चा करने का स्पष्ट प्रयोजन है कि हम खुद भी शिव के शिष्य बने, क्योंकि मेरा मन भी याद रखे कि मैं शिव का शिष्य हूँ और हम दूसरे को भी उस रास्ते पर प्रेरित कर सकें। इससे ज़्यादा शुभ, इससे ज़्यादा कल्याण आप किसी का भी इस जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि उसको आपने अपने लिए नहीं रोका है, अपने शिव के लिए रोका है। तो शिव की चर्चा, अब हम लोग आते हैं कि शिव चर्चा स्थलों पे क्या होना चाहिए। क्या शिव चर्चा स्थलों पे या साप्ताहिक चर्चा स्थलों पे माँ का भजन, बजरंग बली का भजन या और देवी देवताओं का भजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, साप्ताहिक चर्चा स्थल पे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग के पास समय की कमी होती है, 2 या 3 घंटे के लिए चर्चाएँ होती हैं, मान लीजिए 3 घंटा के लिए होती है, और 50 गुरु भाई गुरु बहन वहाँ हैं, सबको बारी बारी से मौका देना चाहिए, 2 मिनट 2 मिनट भी बोलने कम से कम। अब उतनी ही देर में आपको ये काम कर लेना है, फिर सारे लोग अपने घर को लौट जाएंगे। अब अगर आप सारे देवी देवताओं के गीत और भजन गाना शुरू करेंगे तो समय तो इसी में ख़त्म हो जाएगा, गुरु की चर्चा तो हो नहीं पाएगी। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि, ज़्यादा अच्छा क्या, आप वहाँ जुटे ही जिस कारण से हैं सिर्फ उसी कारण पर ध्यान दीजिए। आप वहाँ गए ही थे इसलिए क्योंकि शिव गुरु चर्चा होनी थी वहाँ। तो जब शिव गुरु चर्चा होनी है, शिव के गुरु स्वरूप की बात होनी है, तो चर्चा भी गुरु स्वरूप पे हो और भजन भी गुरु के स्वरूप पे हो जाए। अब रही बात कि अन्य लोगों का क्यों नहीं हो, तो भाई आप अपने घर में जाके जितना मन है गा लीजिए, कोई रोका है? घर में तो आप आराम से 24 घंटा रहते हैं, जब मन है जो मन है गा लीजिए, लेकिन एक अनुशासन तो होना चाहिए कि उस जगह पे आप किस लिए जुटे हैं। अगर सारे लोग यही करने लगे, उसे किया जाए सही ढंग से किया जाए। और भजन, किसी भी भजन का प्रभाव जो है मन पे अस्थाई होता है, थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगेगा, हाँ गा रहे हैं भाई, रे मन के पंछी तू नमः शिवाय नमः शिवाय, रट रहा मतलब गा रहे थे गुरु भाई, हम लोग को याद आ गया कि हाँ सही बात है, कोई उठ के उधर, कोई उठ के उधर, कोई इधर कोई उधर, तुरंत ऊपर से नीचे आ गया मन, नहीं अस्थाई। यानी भजन का प्रभाव होता है लेकिन क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन अगर गुरु की चर्चा आप करते हैं, आपका मन धीरे धीरे समझ लेता है, तो ये प्रभाव अस्थाई होता है, हमेशा के लिए होता है। इसलिए महादेव की चर्चा ज़्यादा करने की कोशिश कीजिएगा, भजन कम, और भजन भी हो तो शिव के ऊपर हो, शिव के गुरु स्वरूप के ऊपर हो, ताकि लोगों का मन एक जगह एकाग्र रहे। और भाई शंकर जी जानना चाहते हैं कि भगवान शिव की पूजा करके तो हमको सतगुरु मिल ही जाता है, तो फिर उनको अपना गुरु बनाने की क्या जरूरत है? हाँ, भगवान शिव की पूजा करके जब हमको सब कुछ मिल जाता है तो उनको गुरु बनाने की जरूरत भी हमको क्यों है, जिज्ञासा यही है। और ये जिज्ञासा आप लोग जहाँ भी जाते होंगे, बहुत जगह लोग पूछते होंगे कि अरे ये कौन बात कह रहे हैं, पूजा तो कर ही रहे हैं, जब पूजा कर ही रहे हैं तो अलग से वो नई बात कह रहे हैं। लेकिन हम लोग को ये समझना होगा कि शिव की पूजा में और शिव की शिष्यता में क्या अंतर है। शिव की पूजा यानी कि शिव की पूजा हजारों साल से हमारे देश में, विदेश में, हर जगह होती है, होती हैं, हम उसकी पूर्ति के लिए महादेव की पूजा करते हैं। लौकिक कामनाएं यानी अच्छा घर हो जाए, धन मिल जाए, बेटा बेटी हो जाए, संतान हो जाए, सुख हो, समृद्धि हो, ये हो वो हो, मतलब लौकिक दुनिया की जितनी भी तरह की चाहत होती है वो सब लौकिक कामनाएं हो गई। पारलौकिक, पारलौकिक में हो गया कि मोक्ष मिल जाए, जीवन मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाए, ईश्वर के पास मेरा मन चला जाए, इस तरह की कामना। लौकिक और पारलौकिक दोनों कामनाओं के लिए शिव की पूजा होती है, होती आई है, लेकिन उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होती है? पूजा। पूजा में ज़रूरी है कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए
आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, मतलब भगवान के लिए विश्वास होगा तभी ना पूजा स्वीकार होगी। समर्पण यानी झुकना होगा, श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास रखना होगा, सब कुछ चाहिए उसमें। एक निष्ठता होनी चाहिए कि महादेव के लिए कर रहे हैं तो महादेव के लिए कर रहे हैं, सब होना चाहिए। लेकिन साहब हरिंद्रनंद जी ने कहा, शिव की शिष्यता में, शिव के शिष्यों के लिए बिना श्रद्धा के भी वही परिणाम आएगा, बिना विश्वास के भी वही परिणाम, बिना समर्पण के भी वही परिणाम आएगा। यानी शिव की शिष्यता को उन्होंने कहा कि पूजा की हाईटेक विधि है ये। हाईटेक मतलब ये कि कभी हम लोग हाथ का पंखा झेलते थे, हालांकि आज हाथ का पंखा यहाँ बहुत दिन बाद दिख रहा है, तो हाथ का पंखा झेलते थे कभी हम लोग, लेकिन एक दिन सीलिंग फैन बन गया जो ऊपर में लगता है, फिर वॉल फैन दीवार पे लगने वाला बन गया, कूलर बन गया, एसी बन गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, हाथ का पंखा छूट गया। तो हवा लगाने का हाईटेक क्या हो गया, अब एसी हो गया हाईटेक विधि। हवा वो भी लगाता था, हवा ये भी लगाता है, लेकिन इसको जहाँ होंकते होंकते हम लोग थक जाते थे, अभी खाली एक स्विच ऑन करते हैं, पंखा की हवा कूलर की हवा में ठंडे हो जाते हैं, तुरंत होता है ना वो काम। वही उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता शिव पूजा का ही हाईटेक विधि है, मतलब ये एक ऐसी विधि है जो आपके मन को सीधे शिव के पास लेके जाती है। समर्पण अपने आप पैदा होता है, लेकिन जब आप जुड़ते हैं, आपके मन में ये नहीं है, उसके बावजूद बिना मन के आप भोजन करते हैं, पेट भरता है कि नहीं भरता है, बिना मन का दवा खा लिए हैं, डॉक्टर बोला है कि दवा खानी ही पड़ेगी, मन नहीं है खाने का, दवा खानी पड़ी है तो खा लिए हैं, बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, होगी। साहब ने यही कहा कि बिना श्रद्धा, बिना विश्वास, बिना समर्पण के भी अगर शिव को आप अपना मानकर खड़े रह जाइएगा, तो एक दिन वो शिव आपके अंदर ये चीज़ उतार देगा कि आपके अंदर उसके लिए श्रद्धा भी पैदा हो जाएगी, विश्वास भी पैदा हो जाएगा, समर्पण ही समर्पण होगा, और एक दिन ऐसा होगा कि एक निष्ठ हो जाइएगा, मतलब शिव नहीं तो कोई नहीं, जैसा उमा ने किया था। पार्वती के लिए हम लोग कहते हैं ना, वरहु शंभु नहीं तो रहूं कुवारी, अगर मेरा वर होगा कोई तो शंभु होगा, नहीं तो कोई नहीं होगा। ये है एक निष्ठता, मैंने वर अपना माना है तो शंभु को, नहीं तो किसी को नहीं, तो मैंने गुरु माना है तो शिव को, नहीं तो किसी को नहीं। और जब जगत गुरु शिव आपके गुरु होंगे तो दुनिया का कौन होगा जो आपका अपना नहीं होगा, जो महादेव का है वो मेरा भी होगा, आपका भी होगा। और एक और सुनीता जी बहुत बनना उनका से ये इनका निवेदन है, क्षेत्र में गुरु ब्रह्मा कहती है कि मेरे ऊपर महादेव आते हैं, क्या ऐसा होता है किसी के शरीर पर देवी देवता आते हैं, इसलिए समझाने की प्रयास किया है। हाँ, ये एक अलग तरह की जिज्ञासा है कि क्षेत्र में कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर महादेव आते हैं, मेरे ऊपर भगवती आती है। एक बार साहब के सामने भी ये प्रश्न जब आया था, बहुत बार आया है, लेकिन जब पहली बार आया था उन्होंने कहा कि आपने कभी सुना है कि आप अपने घर का दरवाज़ा खोल के छोड़ दीजिए, तब भी कोई सज्जन आदमी, कोई अच्छा आदमी आप, और ताला भी लगा दिया है, ताला नहीं भी लगाया है, दरवाज़ा खुला हुआ है और आप नहीं हैं घर में, घर के अंदर कौन घुसेगा, अच्छा आदमी घुसेगा या चोर डकैत घुसेगा, कौन घुसेगा, चोर डकैत घुसेगा। और महादेव और भगवती की ऊर्जा तो ये धरती नहीं संभाल सकती है, संभाल सकती है, अगर वो उतर गए
कण कण में है तब तक ठीक है, लेकिन वो कण कण अगर एक हो गया तो पूरी धरती साफ हो जाएगी। तो वो महादेव और भगवती, कोई भला आदमी किसी के घर में चुपचाप नहीं घुसता और शरीर में उतरने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन कोई अगर आपको अंधविश्वास सिखाता है, कोई अगर आपको डराता है, या हाँ देखो मेरे ऊपर देवी आ गई है, कोई झूमने लगता है, कोई ऐसे करने लगता है, तो हमेशा साहब ने कहा है कि ये वैसे ही लोग करते हैं जिनका मन कमज़ोर होता है। कमज़ोर मन वाले आदमी के पास बाजा बजा दीजिए तो पूरा झूमने लगेगा उस पर। लेकिन मजबूत आदमी, जो मन से मजबूत हो, उसके आगे बाजा बजाइए तो बैठ के सुनता रहेगा, झूमेगा नहीं। तो कमज़ोर मन का आदमी ये सब बातें करता है कि मेरे ऊपर ये आ गया, ताकि और लोग जो है मुझसे डरने लगे, मेरी बात सुनने लगे। आपने कभी गौर किया है, शहर भी है, हम लोग के देश में शहर भी है, गांव भी है, महिला भी है, पुरुष भी है। ज़्यादातर ये सब मामला आप देखिएगा कि महिला पे आएगा, कहीं कहीं ही पुरुष पे देखिएगा। उसमें भी गाँव में देखिएगा, शहर में नहीं, गाँव में मिलेगा। कारण क्या, ये भूत प्रेत या महादेव या भगवती का नाम लेकर कोई है इस तरह कर रहा है तो सिर्फ गाँव का है, महिला को ही चुन के जाता है, ऐसा नहीं ना है। यानी ये एक ऐसा अंधविश्वास है, शिव की शिष्यता इस अंधविश्वास से हमको आपको मुक्त करती है, अलग करती है। वो समझाते हैं कि महादेव आपका अपना हो तो दुनिया की कोई चीज़ आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। आप पड़ोस में कहीं चले जाइए और जिला का थाना है, थाना में रहने वाला एक सिपाही भी अगर मेरा परिचित है तो मेरा मिजाज कैसा होता है उस समय? सिपाही से परिचय है लेकिन मिजाज ऐसा है कि कहीं कोई मामला होता है तो हम कहते हैं अरे कोई बात होगी तो हमको कहना, थाना में अपना ही लोग है, अपना लोग है थाना में, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, हमको कहना, कहते हैं कि नहीं। देखिए एक सिपाही से परिचय है तब तो मन इतना बुलंद है, कलेक्टर से होगा तो कितना बुलंद होगा, और देवों के देव महादेव से होगा तब कितना बुलंद होगा। तब तो हम दुनिया की किसी भी शक्ति को कह सकते हैं कि भाई हमसे अलग ही रहना। क्यों? क्योंकि हम लोग महादेव के गण हैं, महादेव के लोग हैं, महादेव के शिष्य हैं, हमसे अलग ही रहिएगा। हाँ, प्यार से मांगिएगा तो जीवन भी आपका है, टेढ़े चलिएगा तो ठीक नहीं होगा। तो आप लोगों को समझाइए कि ये गलत चीज़ें हैं, कम से कम अपने गुरु को बदनाम नहीं करें, क्योंकि मेरे आपके द्वारा किए हुए काम से ही हमारे गुरु का नाम होगा और मेरे ही काम से गुरु की बदनामी भी होगी। दोनों आपके हाथ में हैं, हम चाहते क्या हैं? क्या मेरे कृत से मेरे गुरु बदनाम हो या मेरे कृत से मेरे गुरु का नाम रोशन हो? हम चाहते क्या हैं, करना क्या है हम लोग को? तो लोगों को समझाइए, कभी भी अंधविश्वास की बातें सही नहीं हो सकती हैं। आस्था रखिए, अंधविश्वास नहीं। आस्था यानी हाँ महादेव हैं, आप पूजा करना चाहते हैं पूजा करिए, आप शिवचर्चा करना चाहते हैं शिवचर्चा करिए। लेकिन अंधविश्वास ऐसी चीज़ है जो अच्छे अच्छों को भ्रमित कर देती है। शिवचर्चाओं में कहीं कहीं लोग हलवा या खीर भी बना के रख देते हैं, बारिश का समय है या कहीं कहीं दीवार में भी पानी रिसता रहता है, कुछ गिर गया है उस पर तो कोई आकृति हो जाती है कभी कभी। अब हलवा है ऐसे फैला के रख दिया है, अब उस पर कोई आकृति हो गई है तो पूरे जगह पे फोन होने लगेगा, आज मेरे चढ़ाए हुए हलवा पे ओम लिखाया था, नमः शिवाय लिखाया था, सांप की आकृति थी, होता है ना ऐसा। जबकि वो तो संयोग वश मौसम और बारिश की वजह से हो जाता है ऐसा। और ऐसे देखिएगा तो कण कण में महादेव हैं, लेकिन उस कण कण में भी कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। एक बार साहब से लोगों ने पूछा कि पांच तत्व से ये दुनिया बनी है तो ये पांच तत्व में मिट्टी का तत्व जो है, ये मिट्टी का तत्व सबसे नीचे का तत्व माना गया है, मतलब सबसे स्थूल, नीचे का नहीं, ताकतवर तो सब बराबर ही है,
लेकिन सबसे स्थूल एक ऐसी चीज जिसको हम छू सकते हैं, जिसको सूंघ सकते हैं, मतलब पांचों इंद्रिय जिस पे काम करती है, उसमें कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। तो साहब ने कहा कि करोड़ों बिजलियों की चमक में जितनी ताकत है, उतनी मिट्टी की एक कण में है वो ताकत। सोच लीजिए, महादेव की ऊर्जा जो एक एक कण में है, उसमें इतनी ताकत है, एक बिजली गिर जाए तो वहां का पेड़, वहां के लोग जल के राख हो जाते हैं। और महादेव उतर गए तो एक शरीर में क्या, इस दुनिया में ही अगर पूरी ऊर्जा के साथ उतर गए तब तो कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए इन चीजों से अपने आप को मुक्त करिए, लोगों को भी समझाइए कि लोग ऐसा नहीं सोचे। अंतिम कर दे। चलिए, आज की ये संगोष्ठी जो आयोजित की गई थी, शिव को गुरु मानने की बात, शिव की चर्चा करने की बात, शिव को प्रणाम करने की बात, मतलब दया मांगना, चर्चा करना और नमन करना, ये तीनों सूत्र हमारे शिव शिष्यों का जीवन का आधार है। आधार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी का सहारा बना के हमारा मन अभी तक टिक नहीं पा रहा है, तो हम इसी का आधार बनाकर अपने महादेव की तरफ चलते जा रहे हैं। लेकिन साहब भैनानंद जी ने कहा कि आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी शिव की शिष्यता बढ़ती चली जाएगी। आज जो शिव के शिष्य हैं, जो सामने दिखते हैं, वो नीम के पत्थर हैं। आज नहीं कहा था साहब ने ये बात, लगभग 17-18 साल पहले एक संगोष्ठी में साहब ने कही थी ये बात कि आज जो शिव के शिष्य हैं वो नीम के पत्थर हैं। नीम के पत्थर यानी कि ये मकान जब बनता है ना, तो इस मकान को बनने से पहले जो नीम डाला जाता है, वो जितना मजबूत होगा उस पर इमारत उतनी ही अच्छी होगी। साहब भैनानंद जी ने कहा कि आज जो शिव शिष्य हैं पहली पंक्ति में, ये नीम के पत्थर हैं, ये जितने मजबूत होंगे, जितने खूबसूरत और शिवमय होंगे, इनके ऊपर जो इमारत बनेगी आने वाले वर्षों में, वो उतनी ही मजबूत होगी। तो हमको, आपको सबको ये याद रखना है कि साहब ने क्या कहा है, क्या रास्ता दिखाया है, न तो इधर न तो उधर। कल को हम लोग भी ना होंगे, जीवन में आए हैं तो जीवन से जाना ही होता है। साहब ने अपने किताब में लिखा कि ये जीवन जो है, इसे इस धराधाम से जाना ही होता है, सबको जाना होता है। और काल का चक्र भी चलता रहता है, ये धरती भी चलती रहती है, कुछ भी अस्थाई नहीं है, बदलती रहती है तस्वीर। लेकिन इस बदलती हुई तस्वीर में भी महादेव की गूंज उठी रह जाए, आज के शिव शिष्य आने वाले पीढ़ी के शिव शिष्यों के लिए नीम का पत्थर साबित हों, इतने मजबूत हों कि वो अपनी मजबूती दूसरे को दें ताकि वो भटके नहीं। न तो भविष्य में कभी भी तीनों सूत्र बदलने जा रहे हैं, न कम होने जा रहे हैं, न ज़्यादा होने जा रहे हैं। जो साहब भैनानंद जी ने कह दिया है, वही वाक्य हम शिष्यों के लिए आदेश है, उनके मुख से जो निकला है, सब शिव के शिष्य इसी का पालन करते जाएंगे, एक रास्ते पे चलेंगे, एक मन से चलेंगे, एक भाव से चलेंगे, अपने गुरु शिव के लिए चलेंगे। और साहब ने कहा है कि आओ चलें शिव की ओर, यानी अपने साहब और दीदी के संग चलेंगे। आओ कहा है उन्होंने, जाओ नहीं कहा है। आओ का अर्थ ही होता है कि मेरे साथ आओ, यानी वो अपने साथ हम सबको लेके चल रहे हैं। आदमी गरीब या अमीर लौकिकता में होता है, मन से नहीं होता। मन अगर आपका बना रह जाए, मिजाज अगर बना रह जाए, तो फकीरी में भी अमीरी की अदा होती है। वस्त्र फटे हैं, खाने को भोजन नहीं है, लेकिन मन अगर मेरा बुलंद है, मन अगर मेरा मजबूत है, तो हम उसमें भी अपने जीवन को हंसते हंसते काट लेते हैं। तो महादेव का सहारा लीजिए, महादेव को अपना गुरु बनाइए, दूसरे को भी प्रेरित कीजिए। कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है, दुनिया में छींट दीजिए इस बात को, जब तक जितनी आपकी क्षमता हो उतनी ही,
और अपने गुरु शिव को प्रणाम जरूर करिए, दया जरूर मांगिए, क्योंकि अगर दया ही नहीं मांगेंगे, शिव की दया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये तीनों सूत्र बहुत जरूरी हैं, इन तीनों सूत्रों का पालन करिएगा। विशेष आप में से कोई भी कभी कुछ जानना चाहेंगे तो आप, अगर संभव होगा, हो पाया तो हम लोग जरूर फोन पे उपलब्ध रहेंगे, जरूर जितनी भी बात साहब ने समझाई है जितना ही आपको बता सकते हैं उतना ही, लेकिन आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। अंधविश्वास पे कुछ पॉकेट छपे हुए हैं जो आज आपको दिए जाएंगे, है वो दिए जाएंगे, आप उसको पढ़िएगा। इस पंपलेट को साहब श्री हरिनंदन जी ने छपवाया था उस समय जब झारखंड के जंगल और पहाड़ों में शिव चर्चाएँ तेजी से बढ़ी थी। तो जंगल और पहाड़ों में जब कोई डॉक्टर नहीं पहुंचता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई झाड़ फूक हो जाता तो ठीक हो जाते, लेकिन साहब ने उस समय भी सबको सावधान किया था। कभी हुआ करते थे ऐसे लोग, आज नहीं मिलते हैं, ये बात उन्होंने कही थी। आज मात्र अपने गुरु शिव का सहारा लेकर आप आगे बढ़िए। तो हमें सावधान करने के लिए, हमें सचेत करने के लिए हर जगह वो प्रकाश स्तंभ की तरह खड़े हैं, हमको उस रास्ते पर सिर्फ चलना है। तो आइए हम सब उस रास्ते पर चलते हैं, अच्छे मन से, एक वचन से, एक कर्म से। शिव मेरे गुरु हैं, शिव सबके गुरु हो जाए, यही उद्देश्य, यही इह लौकिक उद्देश्य हर शिव शिष्यों का होता है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।